बाबा ने कितनी ही लड़की देंगे देवान खराब हो जाएगा। जब बच्चे अपना अपना पुरुषार्थ करके थक जावेंगे और नंबर भी डिक्लेयर हो जावेंगे, जैसे राम और कृष्ण की आत्माओं का नंबर तो डिक्लेयर होता है, परंतु आत्माएं तो इसी दुनिया में पड़ी हैं या पार चली गई, तो बाप एक ही है जो ऐसी तीखी आत्मिक दृष्टि देते हैं कि दृष्टि से सारी सृष्टि सुधर जाती है। एक की दृष्टि ऐसी है जो सारी सृष्टि को सुधारती है। ऐसे में एक सेकंड की दृष्टि के लेने के लिए सृष्टि की आत्माएं तरसेंगी। जहां जहां दृष्टि पड़ेगी वो आत्माएं और दुनिया पावन बनती जाएगी। कृष्ण की आत्मा सालिग्राम की कोटि में नहीं आती। हाँ जी, कोटि माना बीज रूप स्टेज में नहीं आती। जो बीज रूप स्टेज वाली आत्माओं की कोटि है उस स्टेज में नहीं आती। कुछ न कुछ बेबान रहता है। कृष्ण की आत्मा, राधे की आत्मा और राधे कृष्ण जैसा जन्म लेने वाली जो भी आत्माएं हैं फर्स्ट जनरेशन की, उनको आंखों में कुछ न कुछ बेबान रह जाता है। वो दृष्टि के आकर्षण से पूरा परे नहीं जाती। इसलिए सतयुग के आज से ही दृष्टि के द्वारा कलाओं की गिरती कला शुरू हो जाती है। तुम बच्चों की ना, तुम किससे कहा जाता है? कृष्ण की आत्मा से। मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, इस ब्रह्मा से बात नहीं करता हूँ। तुम किसको कहा जाता है? सामने वाले को या बाजू वाले को? सामने वाले को कहा जाता है। तो राधे कृष्ण जैसे बच्चों को जो जन्म देने वाले बच्चे हैं, उनसे बोला तुम बच्चे। अरे राधा कृष्ण की बात कर रहे हो कि दूसरी आत्माओं की बात कर रहे होगे? तुम तो घड़ी घड़ी बात पलट जाते। और जैसा हूँ सबको याद करना है, जो हूँ जैसा हूँ उस रूप को याद करना। जो हूँ जैसा हूँ उस रूप को, जो को हूँ और कैसा हूँ पता भी तो चले। क्योंकि मिक्स होकर के पांच बजाती है ना आत्माएं। रुद्रमाला के मणकों में जो प्रवेश करने वाली आत्माएं आधार मूर्त है, वो प्रवेश करके बीज रूप स्टेज धारण करती हैं या नहीं करती हैं? करती हैं। इसलिए और इस आधार पर कहा जाता है कि और जितनी भी मूर्तियां हैं संसार की, जो भी साकार शरीरधारी है, उनको मृत्यु के काल के गाल में जाते हुए कोई न कोई देखता जरूर है, लेकिन एक मूर्ति ऐसी है जिसको काल के गाल में जाते हुए कोई देख ही नहीं पाता।
क्योंकि जो आज है वो ही अंत है, उसके बाद का कोई अंत नहीं है, उससे ज्यादा आज की कोई आत्मा नहीं है। आज की कहानी तो याद नहीं है, कहानी को कैसे पहली की आज की कंडीशन में? आज की कहानी तो याद नहीं है बच्चे को, तो आदि पुरुष तो आके बताता है। कहानी को कैसे पहली करेंगे? जो आदि को बताने वाला है वो अंत को बताता है। आदि को जानने वाला नहीं होगा तो अंत को कैसे बताएगा? जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, तो जिसने आदि किया उसने सब कुछ किया, वो है ही पहला ब्राह्मण, तो पहला देवता, तो पहला क्षत्रिय, तो पहला वैश्य, तो पहला शूद्र, तो चारों वर्णों की कहानी कौन बताएगा? जो आदि होगा वो बताएगा, आदि तो अंत। जो आदि में होगा वो मध्य में भी होगा, मध्य में होगा तो अंत में भी होगा। ये वो सृष्टि के आदि मध्य अंत में कहे। और हाँ जी, उसका अर्थ ये है कि विजयमाला की आत्माओं ने पांच विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। एडवांस में आने मात्र से ही उनकी बुद्धि में ज्ञान इतना तीखा छप जाता है पवित्रता की पावर से कि उन्हें लंबे चौड़े समय तक पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं, वो झट से विकारों पर विजय प्राप्त कर लेती। और रुद्रमाला के मणकों को लंबा टाइम लगता है, इसलिए बोला कि विजयमाला जो जन्म जन्मांतर की पवित्रता की शक्ति वाली आत्माएं हैं, वो लास्ट में आने पर भी फास्ट चली जाती है। जो बोला अंदर के रह जावेंगे और बाहर के ले जावेंगे। विजयमाला आती है चंद्रवंशियों से, और रुद्रमाला कहाँ से आती है? सूर्यवंशियों से। तो अंदर वाले कौन हुए? सूर्यवंशी हुए अंदर वाले, और चंद्रवंशी हुए बाहर वाले। वो ले जा देंगे और वो रह जाते हैं। बाबा अष्टदेव और अष्टरथ, तो ये नष्ट जो देव वो क्या? तो स्थापना करने वाली आत्माएं भी विशेष हैं, तो पालना करने वाली भी आत्माएं विशेष हैं, तो कठोर कार्य करने वाली भी आत्माएं विशेष हैं। कोई भी धर्म पिताओं ने पुराने पन को नष्ट नहीं कर पाया, पुरानी दुनिया को नष्ट नहीं कर पाया। बाप आकर के वो कार्य करते हैं और कराते हैं। करण करावन हार है। तो जो सूर्यवंशियों के बारह मन के हैं उनमें चार स्थापनाकारी भी हैं, चार पालना करने वाले भी विशेष हैं, और चार नष्ट करने वाले भी विशेष हैं। पालना करने वाले और कंस्ट्रक्शन करने वाले प्राप्ति करते हैं, और विनाश करने वाले प्राप्ति उतनी नहीं कर पाते।
और नस देवों की वो आदि से लेकर के अंत तक विरोध की लिस्ट में रहते हैं। मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मेंद्रियों से भी। बताया है स्वर्ग का गेट जो है वो वास्तव में पुरुष नहीं खोल सकते, क्योंकि पुरुष प्रकृति जो होती है आतताई होती है। सब दुर्योधन दुशासन की लिस्ट वाले हैं। कन्याएं माताएं जो हैं, उनको सबको सुपनखा पूतना नहीं कहा है। गेट का मतलब यह है कि कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना पुरुष जाति के बस की बात नहीं है। स्त्री जाति चाहे अगर अपन पर आमादा हो जावे तो वो कार्य कर सकती है। इसलिए बोला तुम भारत माताएं हो, सरक का गेट खोलने वाली, और वो माताएं हैं बजाय सरक का गेट खोलने के नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है। विचार से होता है नरक का दरवाजा खोलना, और अभिविचारी वृत्ति से होता है स्वर्ग का दरवाजा खोलना। नहीं समझ में आया? बोला त्रेता के अंत तक 16,108 आत्माओं की संख्या पूरी होगी जो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। पहले जन्म में जो भी आत्मा आती है वो राजघराने में आकर के ऊंच पद पाती है। तो ऊंच पद पाने वालों का परिवार ईश्वरीय परिवार है। जो ईश्वरीय परिवार में समर्पित बुद्धि होती है वो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। सही तो 2036 के बाद विनाश होगा कि नहीं होगा? हैं? संगम में रहेंगे, लेकिन अंत में जो दूसरे धर्म के बीज होंगे उनको वापस जाना पड़े। और हाँ जी, आप मेरी रहबरी में पलते हैं। मेरी रहबरी में पलते हैं का मतलब जो मेरी कहने वाला है वो शरीरधारी है या अशरीरी है? बिना शरीर के है, है? शरीरधारी है। तो जो शरीरधारी है उसकी रहबरी में माने उसके कंट्रोल में रहते हैं। हाँ साथ है? अच्छा, में एक तो पहला बाप ही है। आत्माओं के बाप को ऊंच से ऊंच और नीच से नीच कहेंगे? तो शरीर जब धारण करे तब ही तो ऊंच से ऊंच और नीच से नीच कहा जाता है। पर्सनालिटी के लिए लाभ होगा मनुष्य आत्मा को? थर्ड पर्सनालिटी मानो, फर्स्ट पर्सनालिटी कौन? ब्रह्मा। फर्स्ट ब्रह्मा कैसे? ब्रह्मा द्वारा इच्छा होना, शंकर द्वारा पालना, ब्रह्मा द्वारा इच्छा होना, शंकर द्वारा विनाश। पहला ब्रह्मा कौन? विष्णु द्वारा पालना। पहला ब्रह्मा कौन? पहला ब्रह्मा कौन है? पहला ब्रह्मा तो विष्णु बनने वाली परेशानी। कौन है पहला ब्रह्मा? है प्रजापिता। बात खत्म हो गई? प्रजापिता कोई कहेंगे ना? हाँ, जो पहला ब्रह्मा है
वही पहले पहले विष्णु पद पाता है ऊंचे से ऊंचे। तो आदि की तो यहाँ नंबर बार ब्रह्मा है तो भुजाएं बनते हैं। आदि की तो यहाँ बात नहीं, अंत में भी प्रजापिता के चैतन्यारी कोई पर्सनालिटी ब्राह्मण परिवार में प्रत्यक्ष होनी चाहिए। प्रजापिता ही तो है भगवान का अच्छे बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे सर, ब्रह्मा को क्या बोलते शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। यज्ञ के आदि में शिव बाबा प्रत्यक्ष हो गया क्या? प्रत्यक्षता तो संचेतन से होती है। और आगे यज्ञ के आदि में जो पर्सनालिटी है वो ही यथार्थ में बाप था, यथार्थ में था लेकिन उस यथार्थ को किसी ने पहचाना। जब बाप बच्चों को जन्म देता है तो बच्चे जानते हैं कि बाप कौन है। बाप तो गुप्त रहता है, बच्चे माँ को ही सब कुछ समझ लेते हैं। काय में प्रवेश होंगे? हाँ जी हाँ जी। नंबर वन कौन कितने प्रवेश होंगे? उल्टी बात हो गई। जो ब्रह्मा जैसी आत्माएं हैं आधारभूत वो प्रवेश करती है बीज रूप आत्माओं में। हाँ जी, जो भी नारायण है आधार मूर्त के वो नारायण वाली आत्माएं बीज रूपों में प्रवेश करती है। नहीं रस्मी लोग किसको बोलते हैं? देव अलग अलग होते हैं ना, जो सूर्यवंश में से होते हैं, और जो रतन होते हैं वो और वंशों के मुखिया है। तो बाबा देवों में प्रवेश करते हैं ना रस्मी को। इस समय कमजोर कौन पड़ जाते हैं? ब्रह्मा की आत्मा इस समय कमजोर है या राम की आत्मा कमजोर है? तो जब तक कमजोर है तब तक अधूरा प्रवेश करता है, और जब पावरफुल हो जाएगी तो प्रवेश करने का सवाल ही नहीं रहेगा। तो शिव ही शंकर हो जाएगा, शंकर ही शिव हो जाएगा। हाँ जी। यहाँ तो बाबा बाबा बाप आते हैं तो बच्चों को बाप समान बना के जाते हैं। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव। तो कौन सा, परम धाम में रहने वाला शिव या साकार सृष्टि पर रहने वाला शिव? तो दोनों समान हो गए ना। बच्चे नहीं बच्चा, अपना नंबर हर जगह घुस देगा। हाँ जी हाँ जी। नवग्रह बनाए जाते हैं। हाँ ग्रह माने घर गृहस्थ वाले हैं, और वहाँ सिंगल उनकी पूजा होती है, गृहस्थी नहीं साथ में दिखाई जाती है। जो विदेशी है रुद्रमाला कोई प्रवृत्ति मार्ग वाली होती है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई बाबा। जो प्रवेश करने वाली आत्मा तो अशरीर होती है ना? ब्रह्मा बाबा अशरीर है। हाँ अशरीरी आत्मा के संसर्ग संपर्क में आकर अशरीरी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही संपर्क से अलग हुए फिर देवान आ जाते हैं। हाँ वैष्णव देवी जाते हैं तो वैष्णव देवी के दर्शन के बाद हाँ जी ऊपर भैरू की दो हाथ उठाएंगे। हाँ वैष्णव देवी जाते हैं तो वैष्णव देवी के दर्शन के का को पूर्ण नहीं मानते हैं जब तक भैरव की पूजा नहीं करते हैं, भैरव को नहीं दर्शन करते हैं। और इसके बाद फिर उतरने के बाद अर्ध कुमारी के दर्शन करना पड़ता है। तो इसका भाव क्या है कि वैष्णो देवी के दर्शन के
बात पूरा संपूर्ण नहीं होते जब तक भैरव के, और भैरव की भी मूर्ति सिर्फ धड़े सारी घर बताया होगा उसका क्या। वैष्णो देवी में प्रवृत्ति मार्ग है, एक है आत्म स्थिति का पाठ बजाने वाली जिसे कहते हैं आदर कुमारी, और एक है विजयमाला का पाठ बजाने वाली, वो कुमारी है अर्ध कुमारी नहीं है, कन्या है कन्या कुमारी है अदर कुमारी नहीं माता नहीं है, परंतु गृहस्थी में माता भी चाहिए और कन्या भी चाहिए तब गृहस्थी परिपक्व होती है। एक को कहते हैं राजमाता और कन्या बनाई जाती है राजलक्ष्मी, तो दोनों के ऊपर कौन होता है, दोनों की रक्षा करने वाला कौन होता है, भैरव सर बताया जाता है वो है ही रुद्रमाला का पहला मणका, तो सर ही दिखाएंगे ना मुंडमाला को, तो सबसे ज्यादा मान ये तो अलग अलग महिमा दिखाई है, शेर के ऊपर सवारी दिखा दी है बबर शेर के ऊपर, तो कहते हैं सिंहवाहिनी, फिर टाइगर के ऊपर सवारी दिखाई है तो कहते हैं बाघ अम्बरी, अब कौन सा बाघ का पार्ट है जो भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है, इस टाइम टाइम की अलग अलग पार्ट की बातें हैं। आने वाले समय में जब नियत का दामाद लागू होगा इसमें एडवांस पार्टी की कहाँ नहीं पूरी रात निकल जाए, तो यहाँ प्रैक्टिकल में भैरव की सेवा करेगा क्या, भैरव का कनेक्शन देवता से है भगवान के पास से है या भगवती के पास से है, हा? देवी के पास से है ना, तो कहीं देवियों की उपासना होती है देवियों की महिमा होती है, तो देवियों के जो पुजारी हैं उन्होंने भगवान को उनका सेवक दिखाई दिया, जो कृष्ण के पुजारी हैं उन्होंने कृष्ण को आगे रख दिया, विष्णु को आगे रख दिया और शंकर और ब्रह्मा को नीचे रख दिया, जो शिव के पुजारी हैं उन्होंने हर जगह शिव पुराण में शिव को आगे रखा और विष्णु को नीचे दिखा दिया, और हाँ जी हॉस्पिटल में दूसरी आत्माओं में तो प्रवेश तब होता है जब आत्मा संपूर्ण संपन्न स्टेज धारण कर लेती है, सारी दुनिया उसको मानने के लिए बाध्य हो जाती है। अभी राम की आत्मा है कृष्ण की आत्मा है जगदम्बा की आत्मा है, भले नंबर डिक्लेयर हो जाता है पद डिक्लेयर हो जाता है लेकिन सारा संसार उनको अभी नहीं मानेगा जब तक काम संपन्न न करके दिखा दे। हाँ जी क्यों नहीं चेंज होता है, अभी तो जैसे योगी जी का नाम मंदिर नहीं चेंज काशी नगरी नाम नहीं पड़ता है, नाम काम के आधार पर पड़ता है ना, तो कौन सी शक्ति ऐसी धारण की जो काशी नगरी नाम पड़ा, काश्य माने तेज, याद का तेज है जिसके आधार पर नाम पड़ता है काशी नगरी, और बाबा
हाँ जी है अनेक अनेक धर्मों का भी विनाश करते हैं, अनेक प्रकार की राजाइयों का भी अंत करते हैं। एक राजा ही है जिसका अंत करना उनके बस की बात नहीं, एक धर्म है जिसका अंत करना उनके बस की बात नहीं है। बाबा अभी वो ब्राह्मण परिवार में है तो वो वहाँ पर भी करेंगे ना वो जो विरोध करता है वो खुले रूप में बाहर रह करके विरोध कर पाता है या अंदर रह के विरोध कर पाता है? खुले हो करके, खुले हो करके हाँ जी बाबा अमरनाथ में भी चिकन टिकला है तो ऐसा क्या हुआ समय से पहले चिकन टिकला है तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन याद में चिकन लिंग किसे कहा जाता है और बिंदु किसे कहा जाता है? हैं? निराकार को बिंदु कहा जाता है जिसका नाम शिव बिंदु है और जिसमें प्रवेश होता है उसका नाम लिंग है, बड़ा रूप दिखाया है। तो जो बड़ा रूप है वही पहले अपने आप ही बन जाता था बर्फ का लिंग और अभी नहीं बनता है। अच्छी बात तो बन तो गया था लेकिन पिघल गया, ये बोलते हैं पिघल गया थोड़ा रह गया। दुनिया में गर्मी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ती जाएगी। लिंग तो एक ही है, एक ही शिवलिंग की पूजा होती है, एक ही लिंग 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा जाता है, नाम अलग अलग रख दिए। बाबा किसने बोला है? किसने बोला? मुल्ली में बोला। कौन से मुल्ला जी के द्वारा बुलवाया गया? अद्वैत वाणी में बोला कोई भी आत्मा का पार्ट कब खोलूंगा बोर्ड पर लिख करके बताऊंगा, कागज पर लिख कर बताऊंगा, ये नहीं हो सकता। कौन सी मम्मी का आवाहन करना है? छोटी मम्मी का आवाहन करना है? ये तो बड़ी मम्मी की बात कर रही है। तो वो तो तभी आ जाएंगी जब तुम्हारे योग बल में इतनी ताकत होगी, आवाहन में ताकत होगी तब ही आएंगी या पहले आ जाएंगी? जो उनके परिवार के होंगे उनके लिए प्रत्यक्ष में आएंगी। बाबा बोला है कि छोटी है कोई भी आत्मा को पहचानने के लिए वो आत्मा जिस ग्रुप की होगी उस ग्रुप के लोग पहले पहचानेंगे या दूसरे ग्रुप के पहले पहचान लेंगे? एडवांस पार्टी में भी कोई एडवांस का ग्रुप है या सब एडवांस के और उनमें भी नंबर वार है कि सब एक जैसे है? तो जो नंबर जिसका है उसी नंबर पर पहचानेंगे। शिव परमात्मा को भी
जो पहले नंबर पर पहचानता है वो अव्वल नंबर कहा जाता है। और बाबा ने बोला है तो अंत में भी चलेगी। अरे सन 47 में जब मारकाट हुई थी तो एक ही ट्रेन चारों तरफ से चली थी क्या? है हर जगह से ट्रेन दौड़ी थी और जोन को निकलना था वो पहली ट्रेन से निकल गए। समय तो एक ही होगा क्या? टाइम अलग अलग होता है क्या? आदि का टाइम था वो भी एक ही था, अंत का टाइम होगा वो भी एक ही होगा। एक सेकंड की परीक्षा होगी, नष्ट हो मोहा स्मृति लब्धा। जिन्होंने अपने को बैग बैगेज को समेटा होगा उनको एक सेकंड लगेगा, जिन्होंने नहीं समेटा होगा तो फड़फड़ाते रह जाएंगे। मिनी मधुबन में जो सरेंडर है वो सिर्फ कागज पर सरेंडर है या प्रैक्टिकल में भी सरेंडर है? और गीता पाठशालाओं में जो अपन को सरेंडर समझ करके चलते हैं वो प्रैक्टिकल में ज्यादा सरेंडर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं, दोनों तरफ दोनों ही बातें किस बात में आगे ले जाती है? हाँ, विजयमाला में नंबर ले जाती है। हाँ जी, हाँ अंधों ने जो प्राप्ति की है वो किससे प्राप्ति की है? ऊंच से ऊंच बाप से प्राप्ति की है। अंधों ने क्या प्राप्त किया है? अरे अंधों ने तीसरा नेत्र प्राप्त किया ना, तो उन्होंने वो तीसरा नेत्र ऊंच से ऊंच से प्राप्त किया या कोई नीचे से प्राप्त किया? और लंगड़ों ने जो प्राप्त किया पवित्रता की पालना वो ऊंच से ऊंच से प्राप्त की या कन्याओं माताओं के द्वारा प्राप्त की? ऊंचे ऊंचे प्राप्त की। अगर ऊंचे ऊंचे प्राप्त की होती तो रुद्रमाला को पवित्रता में आगे बढ़ जाना चाहिए अकेले ही बिना कोई साथी के। ये तो पवित्र पुष्टि मार्ग है, एक पहिया अकेला जाना चाहे तो आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए माता गुरु बनाना पड़े। तो क्या बाबा, इसी वजह से रुद्रमाला की माँ के विजयमाला में बाद में पिरोए जाते हैं? बाद में पिरोए जाते हैं, इसलिए कि जब तक विजय प्राप्त न करें विकारों पर तब तक प्रवृत्ति नहीं बढ़ सकती, नहीं तो वो उनको भी गंदा कर देंगे। बाबा को तो कह रही है कि हम बनी बना लिया आत्मा ने काट लिया, बना नहीं काट वो समझा बता दे बनी बनाई। हाँ जी अंतिम जन्म का विशेष महत्व है क्या? क्योंकि रुद्र माला के जो मणके हैं वो स्वभाव संस्कार से पुरुष प्रवृत्ति के। हाँ जी, और मुरली में श्री बाबा बोलते कि कन्या माताएं ही कर्तव्य खोलेंगी। ठीक है, रुद्र माला के जो मणके हैं वो तो चाहे माताएं कन्याएं हो चाहे भाई हो वो तो सब पुरुष प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, रुद्रमाला के मणकों में जो कन्याएं या माताएं हैं उनमें ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाने वाला मणका कौन है?
बोलो ना जल्दी। जगदम्बा है माताओं में, तो जब जगदम्बा माताओं में है तो वो पार्ट बजाती है ना, कैसा पार्ट बजाती है? फिर जो भाई हैं, हाँ, मेरा पूछने का मतलब ये, जो पुरुष चोले हैं, हाँ, और माता चोले हैं, उनके सबके अंतिम जन्म का विशेष महत्व है क्या? बिल्कुल है, अंतिम जन्म का महत्व नहीं है रुद्रमाला में भी ऐसी मन। एक ही बात पूरी होने दो, हाँ। जब अंतिम जन्म का महत्व है तो माताएं और भाई, हाँ, सब रुद्रमाला के मन के हैं। हाँ जी, पुरुष सुहा संस्कार वाले हैं। हाँ ठीक है, और इस तरफ बाबा बोलते हैं कि कन्या माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलती हैं। यदि पुरुष कन्या माताएं जो स्वर्ग का गेट खोलती है, रुद्रमाला का मन का होते हुए भी वो भारत माताएं कही जाती है या जगत माता कही जाती है? जल्दी जल्दी बोलो। जगत माता कही जाती है, माने सारे जगत में जो भी धर्म के लोग हैं सबके संसर्ग संपर्क में आती है, सबके संग का रंग लगता है, इसलिए वो जगत माताएं हैं, भारत माता की कोटि में नहीं आती। तो स्वर्ग का दरवाजा पहले जगत माताएं खोलेंगी या भारत माताएं खोलेंगी? जी है रुद्रमाला को, हाँ, रुद्रमाला में, हाँ, रुद्रमाला जो लंगड़ा है, लंगड़े की बात सीधे तुम्हारी, तो उसको तो तीसरा नेत्र होता है। हाँ, और आगे रुद्रमाला में विजय माला के बीज है तो बताया, रुद्रमाला में विजय माला के बीज है, मैंने विजय माला के स्वभाव संस्कार धारण करने वाला भी कोई बीज है। अब्बल नंबर नंबर वाले हैं, बाकी नंबर वाले हैं, उनको तो तीसरा नेत्र डायरेक्ट बात से मिलता है, डायरेक्ट बात से मिलता है। और अब हम कहते हैं कि विजय माला जो है वो प्राप्ति नहीं करते, ऊंच से ऊंच जो है पहले कहाँ होती है? जब रुद्रमाला बन जाती है उसके बाद उनको प्राप्ति होती है। बाबा जो विजय माला है जो जो जन्म निकलेगी तो क्या दो दो आत्मा के बाद उन्नति कर नहीं सकते? अगर ज्ञान उनको नहीं आएगा और बाप के घर में बच्चा जन्म ही नहीं लेगा तो बाप का बच्चा कहा जाएगा? कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चा बन के जन्म लेते हैं और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं बच्चा बन के जन्म नहीं लेती, फिर भी दूसरे घर से पराए घर से अपने घर में आती है और उनको बच्ची समझ लिया जाता है, जिसके लिए कहते हैं डॉक्टर इल्ला। क्या कानूनी तौर पर बच्ची बना लिया तो वो भी बच्चा है, वो भी बच्ची है। रुद्रमाला चौवन, ये कहाँ से चौवन की रुद्रमाला आ गई? हाँ दे कर दे तीरे फाड़े चौवन है लेफ्ट साइड के और चौवन है राइट साइड के, बाकी 108 की है रुद्रमाला। तो रुद्रमाला में विजय माला है? अरे रुद्रमाला में कोई मणका ऐसा है जिसमें विजय माला के गुण जो है वो अनुसूचित हुए पड़े हैं सबसे जाति तादाद में। एक ही मणका है क्या? और नंबर वार है? और नंबर वार तो होते ही है। रुद्रमाला में प्योरिटी की जो पावर है वो नंबर वार है, तो सब में एक जैसी है।
नंबर वार है तो सुपेरिटी की पावर में कोई मन का सबसे तीखा होगा ना। विजय माला का भी बीज है, चंद्रवंशियों का। और जैसे बोला कि विजय माला भी भट्टी करेगी, तो भट्टी करेंगे तो फिर बाप के बच्चे बन जाएंगे, तो रुद्रमाला नहीं है। रुद्रमाला बन गई, पहले रुद्रमाला बनती है या पहले विजयमाला बनती है? रुद्रमाला बनती है। जब रुद्रमाला बन गई 108 की, फिर कहाँ से आ जाएंगे? वो तो नंबर निकल गया, टू लेट का बोर्ड लग गया। हाँ जी, ये तो नहीं बोला, ये बोला कि और जो प्रत्यक्ष हुए हैं, चाहे पहली कुर्सी वाला है, चाहे दूसरी कुर्सी वाला है, चाहे तीन सीट फिक्स हुई है, उनको तो बहुत लंबा समय लग गया। ऐसे ही जो अष्टदेव हैं, उनमें दूसरे मणके को प्रत्यक्ष होने में बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन बाकी जो सात हैं वो जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे, इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। बाबा, रानी मक्खी के साथ जो उसका ग्रुप जाएगा, समझो दीदी और रानी दादा है, ये लोग इतनी सारी रुचि से मैं छोड़ देंगे। ये तो अटकल लगाने की बात हुई, अनुमान की बात हो गई। हाँ, ये बात जरूर है कि जब प्रत्यक्षता होगी तो जो बड़े बड़े दुनिया के हैं उनके हाथ फेल होने लगेंगे। बिना परीक्षा के कहीं पद मिल जाता है? तो परीक्षा कौन लेगा? ड्रामा लेगा, बाप का ज्ञान लेगा। और नश्यो मोहा स्मृति लद्दाख सबकी एक ही परीक्षा है, चाहे कोई सोने की जंजीर में बंधे हुए हो और चाहे कोई सोने और लोहे की दोनों प्रकार की जंजीर में बंधे हुए हो। अभ्यक्तवाणी में बोला है, तुम बच्चों का अनादि स्वरूप की पवित्रता है, तुम बच्चों का आदि स्वरूप की पवित्रता है। ये आत्माओं के लिए बोला है, चांदी तांबे और लोहे जैसी आत्माएं उतरती हैं, उनके संग से हाथ पड़ती है, तो विजयमाला की पवित्रता इसमें बताई। क्योंकि वो जन्म जन्मांतर उन्होंने ज्यादा विकार भोगा ही नहीं है, विविचारी बने ही नहीं है। जो विविचारी ज्यादा बनता है वो ज्यादा अपवित्र होता है बुद्धि से और तन से, या जो सिखों की तरह होता है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो ज्यादा पतित बनता है। विकारों में भी दिन प्रतिदिन अगर नवीनता आती जाएगी तो ज्यादा पतन होगा, या एक तरफ बुद्धि रहेगी तो ज्यादा पतन होगा। नवीनता आती है तो ज्यादा पतन होता है। बाबा, जो मान दाम में तीन चीजें हैं, जब वो शरीर छोड़ेंगी और यहाँ सुखी चक्कर तो वो भर्ती करेंगी, क्या उनका जो पार्ट है वो निश्चित कर दिया गया? तीन दादियाँ कौन कौन है आपकी नज़र में? आसमानी दादी, गुजरा दादी और मनोहनी दादी। और मनोहनी दादी, मनोहनी दादी ने तो शरीर छोड़ दिया त्रासी में ही। जान की दादी, जान की दादी, जान की दादी को कहाँ का निमित्त बनाया गया? विदेशी सेवा केंद्रों का निमित्त बनाया गया। और गुलजार दादी को अभी तक दिल्ली सेवा केंद्र की निमित्त थी, और अभी
दक्षिण भारत में कर्नाटक जोन की इंचार्ज बनाया गया। तो कहाँ दिल्ली और कहाँ दक्षिण भारत का राजधानी, बहुत अंतर पड़ गया। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक कौन सा धर्म उतरता है? विधर्मियों के बीच में कौन से धर्म की, कौन से ग्रुप की आत्माएं हैं जो ऊपर से उतरती उतरती नीचे तक आ जाती है? आर्य समाज। और जो दिल्ली का पहला सेवा केंद्र खुला था तो उसमें निमित्त भाई बहन कौन बने थे? हैं? गुलियार दादी और जगदीश भाई। हैं? जगदीश भाई ने शरीर छोड़ दिया और गुलियार दादी के रह जाएंगे। जो पहले जन्म में श्रेष्ठ पाठ बजाएगा वो अंतिम जन्म में भी श्रेष्ठ पाठ बजाएगा या भ्रष्ट पाठ बजाएगा? जो अंतिम जन्म में निर्मल शांता दादी, ब्रह्मा बाबा जो अंतिम जन्म में भी ब्राह्मण थे, तो निर्मल शांता दादी भी शेष पाठ बजाने वाली थी। वो विधर्मियों में जाके गिरेंगी क्या? है? हाँ। है? क्या? पांच के? पांच सीढ़ियों में? पांच चिड़ियों में? कौन कौन सी पांच चिड़िया है? अरे तो पांच चिड़िया तो निश्चित करनी पड़े। भारत की मोर चिड़िया तो बहुत प्रसिद्ध है, बाकी चार चिड़िया कौन कौन सी? हाँ जी, गंगा गंगा से मिलती है इलाहाबाद में, इलाहाबाद में यमुना नदी से मिलती है। हाँ, सूर्य की पुत्री को कहते हैं यमुना नदी। हैं? हाँ, एक माया होती है बीज रूप में और एक होती है आधार मूर्त में। तो जो सूर्य की पुत्री है तो सूर्य का पुत्र भी होगा। 500-700 करोड़ मनुष्य सब देह अभिमानी है, इस दुनिया में आकर के देह अभिमान धारण करते हैं। देह अभिमान धारण करने वालों में सबसे मुख्य कौन है? अरे पहले पहले कौन है? ब्रह्मा सबसे जास्ती नीचे गिरता है। सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया है? सीढ़ी के चित्र में 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते उतरते राम की आत्मा धराशायी हो गई या ब्रह्मा की आत्मा धराशायी हो गई? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्राइस्ट और क्रिश्चियन से न ज्यादा नीचे गिरते हैं और न ज्यादा ऊपर चढ़ते हैं। ऐसे ही कृष्ण की आत्मा न ज्यादा नीचे गिरती है और न ज्यादा ऊपर चढ़ती है। वो सतयुग के आदि तक रह जाएगी, सतयुग के आदि की सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, परंतु राम की आत्मा गिरती कला में भी हाईएस्ट और चढ़ती कला में भी
सत्युग के आदि के कृष्ण के बाप बनती है। इसलिए देह अभिमानियों का जो बाप है उसका नाम क्या दिया? प्रजापिता। राम ही क्या बनता है? रावण। अव्वल नंबर का रावण या नंबर वार ना रावण बनता है? अव्वल नंबर का रावण। उससे जास्ती काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कलयुग के अंतिम क्षणों की शूटिंग में कोई धारण भी नहीं कर सकता। तो जब पुत्र है सूर्य का तो पुत्री भी कोई होगी। एडवांस पार्टी जब दिल्ली से निकलती है तो बड़े से बड़ा पुत्र कौन है? है? सनातन सनंदन सनत कुमार कहा जाता है। राम वाली आत्मा तो कोई सरेंडर होने वाली पहली कन्या भी निकली होगी, परंतु निभाने के आधार पर नंबर बन जाता है। सरेंडर तो पहले हुई लेकिन निभाया बिल्कुल नहीं, ना के बराबर, इसलिए काली नदी बन जाती है। यमुना ने क्या यमुना ने कान क्यों पूर दिए होंगे? गंगा नदी है, नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी है, तो रुद्रमाला का मन क्या होगी या यमुना पुत्री होगी? तो रुद्रमाला का जो मणका होगी वो रुद्र से डायरेक्ट ज्ञान सुनेगी कि दूसरों से सुनेगी? यमुना भी रुद्र से ज्ञान सुनती है, गंगा भी रुद्र से ज्ञान सुनती है। हाँ, दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधर सकती और काय से सुधरती? एक बाप शिव ही है जो साकार में आकर दृष्टि से सृष्टि सुधारता है, बाकी जो अधूरे मनुष्य हैं उनकी दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधर सकती। गंगा के लिए ये बात लागू हो, पतित पावनी है तो भक्त लोग कहते हैं कि गंगा पतित पावनी है। गंगा पतित पावनी है या बाप पतित पावन है? हाँ जी है? ब्रह्मा के चार मानस कुमार। हाँ जी, यहाँ ब्रह्मा कौन है बाबा? आदि ब्रह्म। आदि ब्रह्म जो यज्ञ के आदि में स्तनधारी था वो। तो बाबा यहाँ आदि ब्रह्म सेवेंटी सिक्स में आदि पहले आदि ब्रह्मा होगा कि पहले बच्चे होंगे? आदि ब्रह्मा था तो आदि ब्रह्मा अगर देखा जाए तो वो तो सनत कुमार की आत्मा, राम की आत्मा थी आदि में। थी आदि में उसका टाइटल मिला ब्रह्मा को, वही सनत कुमार बन जाएगा, वही ब्रह्मा बन जाएगा। उसका टाइटल किसको मिला? उसका कार्यभार किसने संभाला? दादा लेखराज ब्रह्मा ने। तो दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए कहा गया। दादा लेखराज तो थे नहीं उस समय, 69 में तभी छोड़ दिया, 75 वाली बात है। माना बाप जो है उसको बच्चा तब ही पैदा होगा जब तक बाप जिंदा रहेगा, अगर मर जाता है तो बच्चा नहीं पैदा होगा है? बाप अगर मर जाए उसके बाद बच्चा पैदा नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? हुआ रेयर केस में हो सकता है, रेयर केस में नहीं, अक्सर ऐसा होता है। बाप गर्भाधान कर जाता है, गर्भ में बच्चा आ जाता है और बाप के शरीर छोड़ने के बाद बच्चा पैदा हो जाता है। तो बाबा पांच परिश्रांति तो नहीं हुई ना, ब्रह्मा और सनत सनातन सनत कुमार, पांच परिश्रांति ब्रह्मा किसको देंगे? जो टाइटल धारी ब्रह्मा बना
ठीक है।